हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मुच्छी। आज मैं आप सभी लोगों को जिस हिस्से इन्फो दूंगी वो है नीम। नीम का बोटानिकल नाम है आज़ादी रस्ता इंडिका और ये मेलियाइसियाई फैमिली को बिलोंग करता है। नीम को हम लोग इंडियन लाइलक भी कहते हैं। नीम पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन सी, केरोटीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड, एमिनो एसिड जैसी चीज़ें पाई जाती है, जो कि हमारे हेयर, स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है हम लोगों को। और अगर बात करूँ इसके बेनिफिट की, तो नीम हमारे हेयर से डैंड्रफ को, इन्फेक्शन को दूर भगाता है, वुंड्स, इंसेक्ट बाइट जैसी प्रॉब्लम को भी क्योर करता है, एक्नी, बॉयल, रैशेस, इन सब को भी कंट्रोल करता है, आइस की रेडनेस, इरिटेशन को दूर भगाता है, एक्जिमा, रिंग वॉर्म, ईचिंग जैसे प्रॉब्लम से भी फाइट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, दांतों से प्लक को दूर भगाता है, स्किन से डार्क स्पॉट को भी हल्का करता है, डाइजेशन सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है, कोलन को क्लीन रखता है, माउथ के जर्म्स को दूर भगाता है और माउथ को फ्रेश रखता है, दांतों को हेल्दी, शाइनी और वाइट बनाता है, बालों से लाइस यानी कि जुओं को भी दूर भगाता है, डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, अस्थमा के पेशेंट को बहुत ज़्यादा राहत दिलाता है, यूरिनरी इन्फेक्शन को भी दूर भगाता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, कैंसर के सेल से भी ये बहुत हद तक फाइट करता है। वहीं अगर इसकी बात करूँ साइड इफ़ेक्ट की, तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो इसे टोटली अवॉइड करें। और नीम से वॉमिटिंग, डायरिया, ड्राउजीनेस जैसे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है, फर्टिलिटी को भी कम करता है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो टोटली नीम को इनटेक करना अवॉइड करें ओरली। और ब्रेन डिसऑर्डर जैसे प्रॉब्लम भी नीम से क्रिएट हो सकते हैं, तो आप नीम को इनटेक करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और इसकी बेनिफिट उठाएं। अगर आपको मेरी इन्फो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।